सो व्हाट्स अप फ्रेंड, तो कैसे आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका भाई भी बहुत ही अच्छा। जी हाँ फ्रेंड, तो आज आप लोग की डिमांड पे, जी हाँ दोस्तों आप लोग के डिमांड पे, मतलब आप लोग बहुत मैसेज कर रहे थे कि भाई मतलब इस प्रीसेट का लिंक बताओ, ठीक है इस ये प्रीसेट कैसे बनाते हो। ठीक है, तो ये रही मेरी नॉर्मल फोटो और मैं इसको आपको इस टाइप की एडिट करके दिखाऊंगा, पूरा अल्ट्रा स्मूथ। और कुछ नहीं करना दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सीख जाओगे दो ही एक ही स्टेप है, जो कि लाइट रूम और थोड़ा स्नैपचीट में काम है। ठीक है, तो लाइट रूम में हम आपको प्रीसेट बनाना सिखा देंगे, वो भी 2 मिनट के अंदर में। आप वीडियो पूरा देखोगे तो 2 मिनट के अंदर सीख जाओगे, आपकी ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम 2 मिनट के अंदर आपको इस टाइप की कलर फोटो एडिटिंग करके दिखाएंगे, जो कि दिखने में काफी ऑप्शन है। और आप कितना भी जूम करो आपकी फोटो फटेगी नहीं, मतलब बहुत से लोग कमेंट करते थे कि भाई फोटो फट जाती। ठीक है, तो फोटो फटने के लिए भाई इसमें तो थोड़ा स्मूथ करना ही पड़ेगा, तो स्मूथ करना पड़ता है ऑटोडेस्क से, लेकिन मैं अभी स्नैपशीट से आपको दिखाऊंगा कैसे स्मूथ किया जाए। ठीक है, तो आपको हम इस नॉर्मल फोटो को इस टाइप की एडिट करके दिखाऊंगा, जो कि एक नॉर्मल फोटो है। और मतलब आप लोग से बहुत लोग कमेंट करते रहते कि भाई मतलब 2% लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है, तो भाई आप मेरी वीडियो पूरा नहीं देखोगे, यदि आपका कोई भी स्टेप छूट जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये तो लिख के ले लो भाई की प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है मतलब कि कैसे इस फोटो को एडिट किया जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक ऐप आता है जिसका नाम है लाइट रूम, तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको क्या करना है, हमारे लिंक में जाना डिस्क्रिप्शन में और लाइट रूम वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फोटो को हम क्या करते हैं, ये हमारी नॉर्मल फोटो, हम इसको आपको एडिट करके दिखाएंगे। तो इसको करना है शेयर पे क्लिक और हम कर लेते हैं अपनी लाइट रूम में ओपन। ठीक है, लाइट रूम में इसको शेयर कर देते हैं और हम यहाँ से अपनी लाइट रूम ओपन करते हैं। ठीक है, तो हम बैक जाएं। सो फ्रेंड, फोटो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दे। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नया फोटो एडिटिंग आपको पहुँचाऊँ तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकते हो, और सबसे पहले हमारे वीडियो को देख कर और फोटो एडिटिंग हार्ड फोटो एडिटिंग सीख सकते हो और उसका प्रीसेट डाउनलोड कर सकते हो। आपको विश्वास नहीं हो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरह के फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है, जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों ऐसे फोटो एडिटिंग। आप देख सकते हो, आप लोग का प्यार और सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे ब्लड वाले फोटो पे भी 28,000 आप लोग ने व्यू दिया और अच्छे खासे आपके व्यू आते रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, तो आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं फिर अगले वीडियो एडिटिंग पे। ठीक है फ्रेंड, लाइट रूम ओपन हो रही है और लाइट रूम ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, जो कि तो हम अपनी इस फोटो में चलेंगे और हमारी ये रही नॉर्मल सी फोटो जिसको हम आपको एडिट करके दिखाएंगे। और इसका एक यदि फोटो आप एडिट कर लेते हो तो आपका प्रीसेट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑल यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको गाइस एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है कि एक एक स्टेप में मैं क्या सब करता हूँ, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑल नीचे ऑटो के पास ऑटो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लाइटिंग हट जाएगी और हम जाएंगे यहाँ पे लाइट में। ठीक है, लाइट में जाने के बाद हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा पीछे करेंगे 25, हाईलाइट को भी पीछे करेंगे 35 या 50 या 72 कर देंगे थोड़ा पीछे। और उसके बाद आपको एक एक स्टेप को ध्यान देखना है। ठीक है फ्रेंड, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करो कि भाई मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सॉरी लाइट को कम करना है, शैडो को उतना ही पहन देना है और लाइट को कॉन्ट्रास्ट लाइट को कम करना है, शैडो को थोड़ा बढ़ा देना जो कि हेयर पर आ जाए। ठीक है, उसके बाद वाइट को भी थोड़ा बढ़ा देना है और ब्लैक को थोड़ा पीछे कर देना। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी अभी हेयर और लाइट की फ़ोटो एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद जो हमारे सेकेंड वाला ऑप्शन आता है, जो कि आता है कलर का, तो कलर वाले ऑप्शन में चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि भाई मतलब कलर वाले ऑप्शन में क्या करना। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, आपको हर एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा माइनस करेंगे थोड़ा, हाँ ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा प्लस करेंगे, थोड़ा ही करना, इसको थोड़ा प्लस करना। ठीक है, तो इतना पे हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे अपने मिक्स वाले टून में और मिक्स वाले टून में जाने के बाद गाइस यहाँ पे भी आपको मतलब बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मिक्स वाले टून में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑल हमारा रेड कलर होता है, ठीक है, और उसके बाद ऑरेंज, तो रेड ऑरेंज को आपने ठीक से एडिट करना है, तो हम रेड वाले कलर में जाएंगे। उसके बाद इसका सेचुरेशन को माइनस कर देंगे इतना पे, ठीक है, -25। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वाले कलर पे और इसमें कोई कलर को छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, रेड वाले कलर को हम कर देंगे -25
उसके बाद हम जाएंगे ऑरेंज वाले कलर में। आपको गाइस एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, तभी जाके आपकी फ़ोटो बनेगी, नहीं तो आपको फ़ोटो बनाने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ऑरेंज कलर पर जाएंगे, ऑरेंज कलर को भी हम -30 उससे ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके राइट वाले कलर जो कि है येलो, तो हम येलो वाले कलर में जाएंगे। और येलो वाले कलर में क्या करना, ठीक है फ्रेंड, येलो वाले कलर को और से देखना, ठीक है। इसमें मतलब जो किया जाता है, और उसके बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं गाइस हमारी फ़ोटो में थोड़ा बहुत कलर आ रही है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, येलो वाले कलर में जाते हैं, और आपको गाइस एक एक स्टेप ध्यान में देखना है येलो वाले कलर को क्या करना है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हम यहाँ पे येलो वाले कलर को कुछ नहीं करने वाले, उसके बाद हम ग्रीन वाले कलर को भी कुछ नहीं करने वाले, ठीक है फ्रेंड। आपको एक एक पॉइंट को दे, उसके बाद ग्रीन वाले कलर के लास्ट वाले कलर को हम इधर करेंगे, यूवी को सैचुरेशन को भी उधर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इस वाले कलर में जाएंगे, इस वाले कलर को भी इधर कर देंगे, इस वाले कलर को इधर करेंगे, और इसके राइट वाले कलर के हुई को पूरा इधर करेंगे, और ये लास्ट वाला कलर जो है उसके इधर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डन करते हैं। उसके बाद हमारी फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है वो अभी तक एडिट नहीं हुई, तो हम जाएंगे यहाँ पे ग्रेडिंग पे, उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से हमारी फ़ोटो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी उस फिल्टर में आ जाए, ठीक है। उसको क्या करेंगे, थोड़ी सी इधर, उसके बाद हम इसको आगे पीछे करेंगे, और हमारी फ़ोटो यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, अपनी फ़ोटो की कॉपी सेटिंग करेंगे। और मैंने बताया था कि आपका एक बार यदि आप प्रीसेट बना लेते हो तो आपको बार बार प्रीसेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी सेटिंग करेंगे, यहाँ पर कॉपी सेटिंग का ऑप्शन आपको आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई दूसरी फ़ोटो लेंगे और उस पर पेस्ट करके देखेंगे हमारी प्रीसेट काम कर रही है कि नहीं। तो देख सकते हैं जी हाँ फ्रेंड, हमारी दूसरी फ़ोटो भी बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम तीसरी फ़ोटो लेंगे और उस पर अपनी पेस्ट करके देखेंगे कि ये काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है, ये इस पर भी अपना प्रीसेट काम कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपनी प्रीसेट बना दे जी हाँ फ्रेंड। और आप में से बहुत से लोग की कमेंट आ रही है कि भाई प्रीसेट ही प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो प्रीसेट प्रोवाइड जब होगा, जब 1K लाइक हमारे वीडियो पर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक प्रीसेट का पासवर्ड हम आपको बता देंगे। तो अभी तक प्रीसेट का पासवर्ड आपको नहीं बताया, जो कि अभी इसके बाद हम उसको सेव पे करेंगे और चलेंगे अपने स्नैपशीट में, ठीक है। जो कि आपकी फ़ोटो फट रही थी तो अब नहीं फटेगी, क्योंकि स्नैपशीट में जाने के बाद हम कुछ काम करेंगे, उसके बाद आपकी फ़ोटो अच्छी खुलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी फेस को थोड़ा ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में जाकर फेस को थोड़ा वाइट कर लेते हैं, उसके बाद सही पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारी फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो कि फटने लगी, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे जाएंगे और ऊपर करेंगे, लेंस ब्लर वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद नीचे करेंगे, सही पे क्लिक करके इसके बाद हम इरेज वाले ऑप्शन में जाके व्यू एडिट लेंस ब्लर, और इसके बाद एडिट वाले में जाएंगे और इसको 75 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस पर ब्रश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। देखो किस तरह से स्मूथ हो रही है हमारी फ़ोटो, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से अपनी फ़ोटो को आप स्मूथ कर लेना, जिससे आपकी नहीं फ़ोटो फटेगी नहीं और दिखने में कतई ऑसम लगेगी, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग इस तरह से एडिट कर लोगे तो आपकी फ़ोटो फटेगी नहीं और स्मूथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपनी फ़ोटो पे ब्लर कर लेते हैं और अपने हिसाब से आप कर लेना, मैं तो बस बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ही है, कहाँ कहाँ नहीं पर ही है, और तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद देख सकते हो गाइस हमारी फ़ोटो बिफोर एंड आफ्टर, देखो कितना ग्लोइंग आ गया बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है फ्रेंड। तो इससे हम अपनी फ़ोटो को क्या करते हैं, ब्लर कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन जो होती है, यहाँ पे जाएंगे ट्विन इमेज में, और इसके बाद हम जाएंगे सैचुरेशन में, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारी फ़ोटो में ग्लोइंग आ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है देखने, ठीक है फ्रेंड। अब देखो नॉट बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है फ्रेंड। तो और यहाँ पे जाएंगे सेव वाले ऑप्शन में और इस फोटो को हम कर लेंगे सेव। तो हमारी फ़ोटो हो चुकी है सेव। तो भाई वीडियो को लाइक करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि इसका प्रीसेट चाहिए तो 1K लाइक का टारगेट कम्प्लीट करो, फिर आपको प्रीसेट मिल जाएगा।